दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि जापान ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान है और आप भी हैरान रह जाएंगे। और साथ में जानेंगे दोस्तों कि टैबलेट्स के बीच में लाइन आखिर क्यों दी जाती है, और साथ में डेंगू मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के बारे में रोचक तथ्य। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारी दवाइयों को बीच में लाइन दिया जाता है, तो ये लाइन क्यों दिया जाता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, मेडिसिन टेबलेट के बीच में लाइन इस वजह से दी जाती है जिससे आप उस टेबलेट को दो पार्ट में करके और उसकी पावर को कम करके खा सकें। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये लाइन हमें ज़्यादातर सिर्फ हाई पावर के टेबलेट में ही देखने को मिलती है, जिससे कि अगर हमें कम पावर के टेबलेट की ज़रूरत होती है तो हम उसे हाफ या बीच में से तोड़कर खा सकें। जैसे मान लीजिए आपने कोई मेडिसिन टेबलेट ली है जो 1000 mg की है और डॉक्टर ने आपको 500 mg खाने के लिए कहा है, तो ऐसे में उसे आप हाफ करके ले सकेंगे। दोस्तों, एक बात का ध्यान और देने वाली है कि ये जिन मेडिसिन टेबलेट पर लाइन नहीं होती उन मेडिसिन टेबलेट को आपको हाफ करके नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, जापान ने हाल ही में 319 TB/s इंटरनेट चलाकर रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने एक खास तरह की ऑप्टिकल फाइबर विकसित की है जिससे यह संभव हो पाया है। दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा केबल होता है जिसको समुद्र में बिछाया जाता है। इन केबल से ही हमारा इंटरनेट चलता है। इसमें तांबे के तार का यूज होता है, जबकि जापान ने तार की जगह लेजर लाइट का यूज किया है जिससे डेटा ट्रांसफर किया जा सके। दोस्तों, ये स्पीड 3000 किलोमीटर की दूरी में टेस्ट की गई, और अच्छी बात यह है कि इसे अभी की टेक्नोलॉजी के साथ यूज किया जा सकेगा, यानी हमारे डिवाइसेस की स्पीड भी जल्द बढ़ सकेगी। दोस्तों, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां मच्छरों के काटने से हो सकती है, तो आइए जानते हैं इन मच्छरों के बारे में कुछ रोचक तथ्य। दोस्तों, मच्छर उन लोगों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जिन्होंने अभी अभी केला खाया हो। दोस्तों, केवल मादा मच्छर ही खून चूसते हैं, नर मच्छर तो शाकाहारी होते हैं। दोस्तों, धरती पर करीब 3500 से भी ज्यादा प्रकार के मच्छर मौजूद हैं। ये 20 करोड़ साल पहले धरती पर आए थे। दोस्तों, मच्छर के 6 पैर होते हैं और 47 दांत होते हैं, और ये ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों को ज्यादा मच्छर काटते हैं। दोस्तों, सिर्फ आपको काटते ही नहीं है मच्छर, बल्कि खून चूसने के बाद आपकी त्वचा पर पेशाब भी कर देते हैं। दोस्तों, मच्छर अपने एक बार के डंग से 0.001 से 0.1 मिलीमीटर तक खून चूसते हैं। दोस्तों, एक मादा मच्छर की उम्र लगभग 2 महीने की होती है और एक नर मच्छर की उम्र लगभग 15 दिन की होती है। इतिहास में हुए सभी युद्धों में सबसे ज्यादा मौतें मच्छरों के काटने से हुई है।